हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा एक क्वेश्चन की, जो कि कब आया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है जे एडवांस 2020 पेपर वन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है लिमिट्स पर। किस पे बेस्ड बेटा? लिमिट पर है। तो इसको उसको पहले रीड कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो लेट ई डिनोट द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, कोई दिक्कत नहीं है। द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर ए फॉर विच द राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 1 माइनस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई इनवर्स अपॉन एक्स रेस्ट पावर ए इज इक्वल टू अ नॉन जीरो रियल नंबर इज, मीन्स हमें वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करनी है बेटा। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए क्या होना चाहिए कि पूरा का पूरा लिमिट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसे चेक करते हैं कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन दे रखा है बेटा, सेम क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 1 माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस ई इनवर्स अपॉन एक्स पावर ए। सिंपली हम लोग को एक चीज पता है बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होती ई, और अगर यही केस हो जाए लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ई इनवर्स हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो एक्चुअल में ई इनवर्स है, और माइनस ये ई इनवर्स है, तो न्यूमरेटर 0 है और एक्स की अगर 0 पुट कर दे डिनोमिनेटर 0 है। मतलब टाइप जो है वो तो है 0/0 की, लेकिन अब 0/0 के केस में आप चाहें तो आप डिफ्रेंसिएशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिफ्रेंसिएशन में क्या है कि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। तो आई थिंक हम लोग दूसरे तरीके को अप्रोच करेंगे। हम इसकी वैल्यू के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हम एक काम करते हैं, इस वैल्यू को हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में है क्या। हमने इसे ए एज्यूम कर लिया बेटा, यह 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर 1 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है ना। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम डिफ्रेंसिएशन यूज नहीं करना बेटा, हम बात करेंगे बहुत बेसिक से तरीके की। हम लॉग ए ले लेते हैं, लॉग ले लिया तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि पावर बाहर आ जाएगी और लॉग 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन यूज करना चाहते हैं, लॉग 1 माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है -x - x² / 2 -x³/3 -x⁴/4 अप टू इन्फिनिटी। ये एक्सपेंशन आपको याद होगा। तो अगर हम यहाँ से एक्स कॉमन निकाल दें तो लॉग 1 माइनस x अपॉन x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी -1 -x² -x²/3 अप टू इन्फिनिटी, इस टाइप से आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी बेटा? ये तो है लॉग ए की। किसकी वैल्यू है? लॉग ए की। तो लॉग ए इज इक्वल टू आ गया -1 - x² / 2 - x² / 3, इस टाइप से जाएगी। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो e⁻⁻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 ⁻
और अरेंज करना चाहते हैं तो e पावर माइनस वन कर दिया इंटू ई पावर माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई थ्री, इस टाइप से हमने इसे अरेंज कर लिया, ऐसा कर सकते हैं। अब इस वैल्यू को अगर हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट किया, यहाँ पर अगर हमने सब्सिट्यूट किया तो e इनवर्स है और यहाँ पर भी e इनवर्स है, ये बाहर रहेगा। हमने लिखा बेटा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस a की जो वैल्यू है वह है e इनवर्स e रेज़ टू पावर माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई थ्री, इस टाइप से माइनस ए इनवर्स डिवाइड बाई एक्स रेज़ टू पावर ए हो गया। ओके, ई इनवर्स आपने बाहर निकाला, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ई इनवर्स बाहर आ गया। ओके, ई इनवर्स बाहर आने के बाद क्या है बेटा, ए की पावर माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई थ्री अप टू माइनस का वन अपॉन एक्स रेज़ टू पावर ए आ गया। अभी भी पैटर्न देखेंगे तो x की पावर अगर जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो e पावर जीरो मतलब वन माइनस वन तो जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो बाई जीरो आ जाएगा। तो ये सॉल्व नहीं होना चाहिए, तो हमें एक चीज़ मालूम है बेटा, लिमिट x टेंस टू जीरो ये रेस्ट पावर x माइनस वन अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, ये लिमिट की वैल्यू होती है। अगर ये मालूम है तो हम इसकी पावर देखिए बेटा, e पावर x ये है,
ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई थ्री, ये हमने मल्टी डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई थ्री इस टाइप से। अब हमें मालूम है ई पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होगी टोटल वन। अगर ये वन हो गया तो ये आ गया ई इनवर्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ये वन हो चुका है तो ये हो गया माइनस का एक्स, एक्स कॉमन निकाल दिया बेटा यहाँ से, तो माइनस का एक्स या गया वन बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री, इस टाइप से आपके पास वैल्यू आ जाएगी और डिवाइड बाई एक्स रेस्ट पावर ए। अब चीज़ें देखिए संभलती हुई समझ में आ रही है, यहाँ से एक्स की पावर को अगर हमने यहाँ पे माइनस करें तो ए इनवर्स माइनस कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस कर दीजिए, एक्स हटा दीजिए तो यह आएगा वन बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री प्लस अप टू इन्फिनिटी डिवाइड बाई एक्स रेस्ट पावर ए माइनस वन। ठीक है, न्यूमरेटर से एक्स को जीरो कर देंगे तो यहाँ पे वन बाई टू आ जाएगा, मतलब एक नॉन जीरो रियल नंबर आ जाएगा, लेकिन अभी भी यहाँ समस्या है तो इसे हटाना है। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो हम लोग पावर को क्या कर देते हैं बेटा, जीरो कर देते हैं। तो अगर पावर जीरो हो गई तो ये इससे इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि एक्स की पावर जीरो हो जाएगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी वन, तो हमें नॉन जीरो रियल नंबर मिलेगा। नॉन जीरो रियल नंबर कब आप मिलेगा, ए की वैल्यू वन पर, ए की वैल्यू क्या आ गई वन आ गई, और वैल्यू क्या आ गई लिमिट की, लिमिट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी वन बाई टू माइनस वन बाई टू ए इनवर्स हो जाएगी। तो लिमिट की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई टू इनवर्स, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी वैल्यू ऑफ ए, तो हमने ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा ए की वैल्यू निकालना, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।